Assalamu alaikum students, my name is Fazan Farooq and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn how to compute tax on dividend received for the tax year 22-23. Tax year 22-23 mein, jo tax rates mein ek bahut bada change aya, wo ye hai ke dividend ke rates for the basic, for the higher or for the additional bands change ho gaye. पहले ये रेट्स कम थे, अब डिविडेंड पे टैक्स के रेट्स जो है वो यूके में बढ़ गए हैं. तो ये एक चेंज है. अगर आपके पास पुरानी रिवीजन किट या पुरानी बुक है तो आपको ये रेट्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे. तो आप अगर पेपर टैक्स ईयर 22-23 के हिसाब से दे रहे हैं तो आपने नई बुक लेनी है, नई किट लेनी है जिसपे टैक्स ईयर 22-23 लिखा हो. अब हम डिविडेंड की बात करते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा, हमने आपको सिखाया कि नॉन सेविंग पे किस तरह टैक्स लगता है, सेविंग इनकम पे किस तरह से टैक्स लगता है. अब डिविडेंड पे किस तरह टैक्स लगता है तो याद रखिएगा, डिविडेंड्स पे चार बैंड अप्लाई होते हैं. टोटल कितने बैंड अप्लाई होते हैं डिविडेंड के ऊपर? डिविडेंड्स पे सर चार बैंड अप्लाई होते हैं. कौन कौन से हैं? तो पहला बैंड जो डिविडेंड के लिए आएगा वो होगा निल रेट बैंड. डिविडेंड के लिए जो फर्स्ट बैंड है इज कॉल्ड निल रेट. आपको याद हो इंटरेस्ट में निल रेट बैंड की तीन लिमिट्स थी. यानी बंदा अगर बेसिक टैक्स पेयर है तो 1000 होती थी लिमिट, अगर वो हायर टैक्स पेयर है तो लिमिट जो है वो 500 होती थी, और अगर वो एडिशनल टैक्स पेयर है तो फिर इंटरेस्ट के निल रेट बैंड की लिमिट जो है वो होती ही नहीं थी, यानी निल रेट बैंड अप्लाई ही नहीं होता था. लेकिन अब हम जो निल रेट बैंड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये है निल रेट बैंड फॉर डिविडेंड्स. डिविडेंड्स के लिए जो निल रेट बैंड होता है उसकी लिमिट हर सूरत में, यानी बंदा बेसिक हो, हायर हो या एडिशनल टैक्स पेयर हो, बंदा हायर टैक्स पेयर हो, एडिशनल टैक्स पेयर हो या बेसिक टैक्स पेयर हो, सबके लिए निल रेट बैंड अवेलेबल है. और 2000, जी हाँ 2000 तक की इनकम अगर होगी तो आपको यानी कोई टैक्स नहीं देना डिविडेंड पे. यानी डिविडेंड पे अब वो बंदा बेसिक टैक्स पेयर हो, हायर हो या एडिशनल टैक्स पेयर हो, आपको 2000 पाउंड्स का बेनिफिट यानी निल रेट बैंड अवेलेबल है. इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास बेसिक बैंड आएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो वही हायर बैंड आएगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास एडिशनल आएगा. आपने देखा था सेविंग इनकम इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास पांच बैंड थे, स्टार्ट निल रेट बैंड, बेसिक, हायर, एडिशनल, वहां पांच थे. नॉन सेविंग में बेसिक, हायर, एडिशनल तीन थे. डिविडेंड में हमारे पास चार बैंड होते हैं. निल रेट बैंड हमेशा आएगा डिविडेंड में 2000 लिमिट के साथ, फिर बेसिक, हायर और एडिशनल अपनी अपनी लिमिट्स के साथ होंगे. रेट्स एक नज़र पढ़ लेते हैं, रेट्स पेपर में गिवन भी होते हैं. अगर बेसिक में आता है डिविडेंड तो 8.75%, हायर में आता है तो 33.75% और एडिशनल बैंड में फॉल करता है तो 39.35% आपको टैक्स देना होगा. अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. अब आपके सामने एक क्वेश्चन है. टैक्स ईयर 22-23 जो हमारा टैक्स ईयर है, एम हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 60,720, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट टैक्सेबल इंटरेस्ट या सेविंग इनकम है, और डिविडेंड, तीनों इनकम है. हमारा फॉर्मेट जिसको हम मेन फॉर्मेट बोलते हैं, नॉन सेविंग्स, सेविंग्स यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड, तीन कॉलम होते हैं और आखिरी में एक टोटल कॉलम तो हमें पता है होता ही है. अब हम सारी इनकम को लिख लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट इनकम गिवन है 60,720, टोटल में भी आ जाएगी. फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सेविंग इनकम में आता है, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हो मसला नहीं है. डिविडेंड है, डिविडेंड सर अपने कॉलम में 12,000 डिविडेंड के कॉलम में आ गया. सारी इनकम को टोटल कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम.
एक बात बताइए, क्वेश्चन में बस इतना ही डेटा है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। क्या क्वेश्चन में कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नाम की चीज लिखी हुई है? क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है? तो नहीं, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट सर नहीं है। जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं होता, जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं होता तो यही टोटल इनकम क्या बन जाती है? नेट इनकम। और जब नेट इनकम आती है तो आपका दिमाग आपको याद दिलाता है कि हमें क्या लेना है, पर्सनल अलाउंस। ये 1 लाख से क्या है, कम है ना, लेस देन 100,000 है टोटल नेट इनकम। तो फिर ANI की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 12,570 ये हमें याद है कि ये हमारा पर्सनल अलाउंस है, हम इसको लेस करेंगे और हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जिसमें हमें क्या लगाना है, जिससे हमें लगाना है टैक्स, यानी वी आर गोइंग टू गेट टैक्सेबल इनकम। आंसर चेक भी कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझना हमारा मकसद है, हमारा मोटिव है। और आपको वीडियोस अच्छी लगी, हेल्प हुई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अब देखिएगा, टैक्स अप्लाई करने जा रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब टैक्स टैक्सेबल इनकम पे लगता है और हमें सीक्वेंस पता है। सबसे पहले टैक्स लगता है किस पे, नॉन सेविंग्स पे। हमें पता है नॉन सेविंग में तीन बैंड्स होते हैं, बेसिक, हायर और एडिशनल। ये बंदा 1.5 लाख से कम और 37,700 से ज्यादा कमाता है, तो ये कौन सा टैक्स पेयर है? ये बंदा मैक्सिमम हायर बैंड तक जा सकता है, यानी ये बंदा हायर बैंड टैक्स पेयर है। बेसिक बैंड कितनी लिमिट होती है? 37,700। गिफ्ट एड की वजह से ये लिमिट बढ़ती है और आपको हमारे चैनल पे गिफ्ट एड की वीडियो मिल जाएगी। 20% टैक्स होता है, हम सॉल्व करेंगे। आंसर अब हमें याद हो गया है, 7,540 आता है। और 48,150 में 37,500 यहाँ आ गया, तो बाकी जो बचा है वो कहाँ आ जाएगा? हायर में, यानी इस बैंड की लिमिट फिल हो गई, यानी बेसिक बैंड इधर कंप्लीट हो चुका है। 48,150 ये नॉन सेविंग है, 37,700 हमारा बेसिक में आ गया, तो जो बचा है बैलेंसिंग फिगर करेंगे और उस पर लगा देंगे 14%। उस पे लगा देंगे 14%। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 10,450। इसे 40% लगाया, 4,180। अब हमें पता है ये बंदा हायर बैंड पे आया है। अब आएगा अगली इनकम जिसका नाम है सेविंग्स, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। हरा बेसिक बैंड फुल हो चुका है, लेकिन हमें इंटरेस्ट के लिए पता है कि सबसे पहले कौन सा बैंड आता है, स्टार्ट बैंड। इस क्वेश्चन में स्टार्ट बैंड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी इनकम जो है वो पांच, इसकी जो टैक्सेबल नॉन सेविंग है वो 5,000 से ज्यादा है, तो स्टार्ट बैंड नहीं आएगा। निल रेट बैंड, निल रेट बैंड। बंदा अगर हायर टैक्स पेयर हो तो निल रेट बैंड कौन सी इनकम की बात हो रही है? सेविंग इनकम की बात हो रही है। सेविंग इनकम में निल रेट बैंड कितना होता है? 500। अब हमें ये याद है कि सेविंग इनकम में निल रेट बैंड कितना होता है? 500 होता है, अगर बंदा क्या हो, बंदा अगर हायर बैंड टैक्स पेयर हो। तो हम लिखते हैं निल रेट बैंड 500, यहाँ आ गया, 0% टैक्स लग गया। सेविंग इनकम पे आपको हमारी डिटेल वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अब इंटरेस्ट है कितना? 1,600। निल रेट बैंड में कितना फॉल कर गया? 500, तो कितना बचा सर? 1,600 माइनस 500, तो 1,100 बच गया। अच्छा, हमारे पास क्या बेसिक बैंड में कोई जगह है? नहीं सर, बेसिक बैंड तो आपके नॉन सेविंग ने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे पूरा हो गया है। तो फिर अगला बैंड हायर है, हायर में 11,200, ये आपको पता है 1,12,300 की जगह होती है, सिर्फ 10,000 कंज्यूम हुआ है,
तो क्या उसमें 1100 आ सकता है? और आ ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ तय कर लिया है कि ये बंदे की सारी इनकम बेसिक के बाद हायर बैंड में ही जानी है, एडिशनल का ये बंदा है नहीं, क्योंकि ये 1.5 लाख से ऊपर कमा नहीं रहा। हायर में अगर सेविंग इनकम हो तो कितने परसेंट टैक्स होता है? 40%। तो 1100 1100 पे का 40% कितना होता है? सर ये तो बड़े आसान मैथ्स है, 440। पहली मरतबा डिविडेंड सीख रहे हैं तो जरा गौर से देखिएगा, सेविंग इनकम के बाद इन्हीं बैंड्स में हम फिल कराएंगे डिविडेंड। ऊपर हमने जो बात की यहाँ पे, इसको देखिए, डिविडेंड के लिए भी निल रेट बैंड होता है और उसमें 2000 की लिमिट है। अब बंदा बेसिक हो, हायर हो, एडिशनल हो, कुछ भी हो, बंदा कोई से भी बैंड का बंदा हो, सेविंग इनकम की तरह उसकी लिमिट बदलती नहीं है निल रेट बैंड की। यानी मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास डिविडेंड है, अब निल रेट बैंड इसका कितना लिमिट लेके आएगा? हमेशा 2000 की लिमिट लेके आएगा, यानी डिविडेंड का निल रेट बैंड 2000 की लिमिट के साथ आ जाएगा। इसमें कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि बंदा हायर बैंड है, लो बेसिक बैंड है या एडिशनल बैंड है। डिविडेंड केस में हमेशा 2000 आपने निल रेट बैंड में डाल देना है। अब देखो यहाँ पे 12000 की टैक्सेबल डिविडेंड है, 2000 चला गया कहाँ पे? निल रेट बैंड में। बेसिक बैंड ऑलरेडी कंज्यूम्ड है और ये बंदा हायर से ऊपर जा नहीं सकता, तो जो बाकी डिविडेंड बचा है, यानी 12000 में 2 चले गए तो कितने बचे? 10000। ये कौन से बैंड में चला जाएगा? हायर में। और डिविडेंड अगर हायर बैंड में हो तो टैक्स का रेट यहाँ देखिएगा, इसका टैक्स का रेट 40% नहीं है, अलग है, 33.75% है, 33.75। बाकी इनकम्स के मुकाबले में यहाँ टैक्स का रेट कम है, लेकिन पिछले साल ये और कम था। पिछले सालों के मुकाबले में, यानी टैक्स ईयर 21-22 के मुकाबले में ये रेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है? 33.75 × 10,000 तो 3375। और हमें पता है कि जब हम इन सबको प्लस करेंगे, दिस 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 और दिस, दो जीरोस भी, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी क्या? इनकम टैक्स लाइबिलिटी, जिसे टैक्स लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, और पे वगैरह है नहीं, मैरिज अलाउंस वगैरह है नहीं, चाइल्ड बेनिफिट वगैरह है नहीं, तो यही जो है वो टैक्स लाइबिलिटी भी है और यही टैक्स पेबल है, 15,535। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर क्वेश्चन में डिविडेंड इनकम आ जाए तो डिविडेंड इनकम को किस तरह से हम डील करते हैं। डिविडेंड इनकम पेपर में आती है, आ सकती है, मना हम एग्जामिनर को नहीं कर सकते, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम डिविडेंड को फर्दर देखेंगे है तो वही जो अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन अब इसमें फर्दर क्या कुछ एग्जामिनर खेल सकता है उसको देखते हैं और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करें तो आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन में आपके पास एक नॉन सेविंग इनकम दी हुई है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कह देते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें नजर आता है कि एक हमारे पास इंटरेस्ट इनकम भी है और डिविडेंड बहुत अच्छा अमाउंट का 54,500 दिया हुआ है, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, हमें पता है नॉन सेविंग्स, सेविंग्स जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, डिविडेंड और टोटल, ये चार कॉलम चीजें पुट कर देते हैं। हमें दी हुई है सैलरी, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इनकम बोलते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड, टोटल एक कॉलम में भी हम लिख देंगे। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, तो यही है मेरी टोटल इनकम और यही मेरी नेट इनकम, और ये सब 1 लाख से कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पर्सनल अलाउंस आएगा, 12,570 का पर्सनल अलाउंस होता है। अब मसला क्या है? नॉन सेविंग में सिर्फ 11,370 है, तो यहाँ से इतना ही माइनस हुआ, बाकी जो है हमें पता है सीक्वेंस है, कॉलम्स की सीक्वेंस है, तो
जो 12,570 माइनस 11,370 जो रह गया है, कैलकुलेटर चलाइए, 1200 आ रहा है। ठीक है, ये अगले कॉलम से हो जाएगा और हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, जैसे कि हम लोग करते हुए आए हैं। टैक्सेबल इनकम तक हम पहुंच गए। अभी हमने डिविडेंड को थोड़ा सा समझा है, फर्दर देखते हैं। हमारे पास ये जीरो आ गया, यहाँ 8,800 आ गया, और ये 54,500, टोटल में 63,300, 1,50,000 से कम है और 37,700 से ज्यादा है, तो गिफ्टेड वगैरह है नहीं। तो हमें ये पता है कि ये बंदा हायर टैक्स पेयर है, यानी हमारी वर्किंग हायर बैंड से ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ तक करने के बाद, ये तो नॉर्मल काम है जो हम अरसे से करते हुए आ रहे हैं, इस पे प्रीवियस काफी वीडियोस भी मौजूद हैं। नॉन सेविंग्स, नॉन सेविंग सर है ही नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जब है नहीं तो फिर हमें पता है कि पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेविंग्स, सेविंग्स पे लगाते हैं टैक्स। नॉन सेविंग लेस देन 5,000 हो तो कौन सा बैंड आता है, स्टार्ट बैंड आ जाता है। और स्टार्ट बैंड की लिमिट क्या होती है सर? स्टार्ट बैंड की लिमिट होती है 5,000 माइनस टैक्सेबल नॉन सेविंग। इस पे डिटेल वीडियो हमारी अवेलेबल है और उम्मीद है आपने देखी होगी। नहीं देखी तो आप चैनल पे इंटरेस्ट सेविंग इनकम, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन सेविंग इनकम की वीडियो देख सकते हैं। अब इधर टैक्सेबल नॉन सेविंग तो है ही नहीं, 5,000 लिमिट, तो हमारी लिमिट क्या बन गई, 5,000 बन गई। 8,800 में से 5,000 जो है वो स्टार्ट बैंड पे चला गया, और स्टार्ट बैंड पे टैक्स क्या होता है, स्टार्ट बैंड पे टैक्स जीरो होता है। ये बंदा हायर टैक्स पेयर है, तो फिर नील रेट बैंड आएगा, जिसकी लिमिट कितनी आएगी, 500। 8,800 का इंटरेस्ट है, 5,000 स्टार्ट बैंड में, 500 जो है वो नील रेट बैंड में चला गया, तो कितना बचा 8,800 में से, बैलेंसिंग फिगर 3,300 की आवाज आ रही है, और ये कौन सा बैंड आ जाएगा सर, ये बेसिक बैंड आएगा और 20% लग जाएगा। 3,300 इंटू 20% इज 660। यहाँ तक कोई इतना खास काम, इतना मुश्किल काम नहीं हुआ। बात समझनी है, बारी है डिविडेंड की। डिविडेंड के लिए नील रेट बैंड होता है, स्टार्ट बैंड नहीं होता। डिविडेंड के नील रेट बैंड की लिमिट होती है 2,000। ठीक है, अब जरा गौर से, ध्यान से स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। डिविडेंड है कि ये वर्किंग कर रहा, 2,000 जो है नील रेट बैंड में चला गया, कितना बचा, 52,500 बच गया। ऐसा ही है, हमारे पास एक होता है बेसिक बैंड, जिसकी लिमिट होती है 37,700। क्या नॉन सेविंग ने इसको यूज किया सर? नॉन सेविंग तो इस क्वेश्चन में थी नहीं ना, सेविंग ने इसको यूज किया, जी सर, 3,300 यूज किया। फिर हमें पता है कि अगर कोई नील रेट बैंड हो तो वो भी यहाँ लिखा जाता है। नील रेट बैंड किसका है, डिविडेंड का, सेविंग का हो, सेविंग की वीडियो में सीखा भी था कि अगर कोई नील रेट बैंड आता है, अब वो यहाँ पे क्या बात हुई कि सर नील रेट बैंड वहां तो आपने कहा था सेविंग वाला, तो ठीक है वहां सेविंग थी, यहाँ नॉन सेविंग, यहाँ डिविडेंड भी है, तो डिविडेंड का नील रेट बैंड भी लिमिट का कंज्यूमर होता है, लिमिट को रिड्यूस करता है। ये रूल आपको याद होना चाहिए, जिसे मैंने स्टार बनाया है, अक्सर स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं। वो कहते सर वो तो सेविंग वाला नील रेट बैंड होता है ना, जो रिड्यूस होता है, तो भाई वहां और यहाँ दोनों के लिए रूल सेम है। नील रेट बैंड चाहे वो सेविंग का हो या वो डिविडेंड का हो, वो बेसिक बैंड की कंजम्पशन में आएगा। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब 37,700 में से हमारे पास कंजम्पशन हुई है। ठीक है, और कौन सी कंजम्पशन हुई है सर? हमारे पास कंजम्पशन ये भी तो हुई है कि आपका ऊपर जो आपने इंटरेस्ट को लिया है, सेविंग इनकम जो आपने ली है, सेविंग में 3,300 बेसिक में गया है, और बाकी बाकी क्या,
सर बाकी ये है कि सेविंग के अंदर 3,300 है, सेविंग के अंदर स्टार्ट बैंड भी है और सेविंग के अंदर निल रेट बैंड भी है। तो हमने ये भी पढ़ा था ना कि सेविंग के अंदर जितने भी बैंड्स होते हैं वो सारे कंज्यूमर होते हैं, सब कंज्यूम करते हैं। तो सेविंग इनकम स्टार्ट, निल रेट बैंड और जो खुद बेसिक बैंड में आई है वो, ये सब डिविडेंड का निल रेट बैंड जो कि 2,000 है, वो कंज्यूम होने के बाद हमारे पास जो निल रेट बैंड में जगह बच रही है वो कितनी है जिसमें हमारे पास डिविडेंड आ सकता है। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर नजर आती है 26,900, 26,900 की जगह बाकी है डिविडेंड में। यहाँ पे जो कुछ बच्चों को होती है कंफ्यूजन, वो बात समझाता हूँ मैं दोबारा। पहले बेसिक पे कितने परसेंट रेट होता है डिविडेंड का जरा बता दो। अगर बेसिक पे डिविडेंड आए तो टैक्स रेट होता है 8.75। ये देखिए यहां से आ रहा है, ये रहा। दोबारा मैं एक बात रिपीट करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ होती है, तो मैं उनके लिए एक वर्किंग अलग से करता हूँ। देखो ये ऊपर वाली वर्किंग तो आसान है कि डिविडेंड सर निल रेट में 2,000 चला गया, बाकी जो बचा है वो इतना बचा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिक, बेसिक बैंड भाई, बेसिक बैंड कितना होता है सर? इतना होता है। सबसे पहले इसमें क्या आती है? नॉन सेविंग आती है। क्या नॉन सेविंग है? नहीं है। फिर कौन सी इनकम आती है? सेविंग आती है। सेविंग में एक होता है स्टार्ट, एक होता है निल रेट बैंड। ये दोनों तो समझो गोद लिए हुए हमने, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, ये रूल है। और जो बेसिक में आपने खुद से लिखा है वो, बेसिक में आपने खुद से कितना लिखा है ये आसान है, 3,300 ये लेना, ये कोई नहीं भूलता। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि निल रेट बैंड भी रिड्यूसर होता है बेसिक बैंड का, तो ये 500 आ गया। सेविंग सॉरी स्टार्ट बैंड, सेविंग का स्टार्ट बैंड भी जो है वो लिमिट का रिड्यूसर होता है। तो ये दोनों जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये रूल है, ये आपको भूलना नहीं है कि सेविंग का स्टार्ट बैंड, सेविंग का निल रेट बैंड हमेशा बेसिक बैंड को कंज्यूम करने वाला होता है। फिर डिविडेंड आता है, क्या आता है? डिविडेंड। तो निल रेट बैंड डिविडेंड में स्टार्ट बैंड नहीं होता ना, निल रेट बैंड होता है। और डिविडेंड का निल रेट बैंड कितना होता है? 2,000। ये भी इसका कंज्यूमर है, ये भी इस लिमिट को खाता है। तो फिर जो बचती है उसको कहते हैं अवेलेबल लिमिट, ये जो बचती है इसको क्या कहते हैं? अवेलेबल लिमिट। और ये अभी हमारे केस में कितनी आई है? 26,900। जिनको नहीं क्लियर था, होपफुली ये मैंने जो अब वर्किंग चेंज की इससे क्लियर हो गया होगा। 26,900 बेसिक बैंड में जगह बाकी है, तो बेसिक बैंड में अगर डिविडेंड आए तो 8.75 टैक्स लगता है, विच इज कमिंग 2,354। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन एक्यूरेसी, हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट को समझना। डिविडेंड टोटल था 54,000 सॉरी 54,500। हम फोर सेट करेंगे ताकि आपके लिए आसानी होगी। देखिएगा इसमें से निल, ये वर्किंग है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, हेल्प के लिए बता रहा हूँ। 2,000 यहाँ चला गया, बेसिक की वर्किंग हुई 26,900 यहाँ चला गया, तो बेसिक खत्म हो गया ना, तो जो बच गया वो सबका सब कहाँ जाएगा? हायर में, क्योंकि ये बंदा कौन सा टैक्स पेयर है? ये बंदा हायर टैक्स पेयर है, यू भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पे हायर लिख के बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं जिस तरह हमें आता है। 54,500 माइनस 2,000 और माइनस 26,900, क्या आंसर बनता है जरा देखिएगा। 25,600। और हायर बैंड में अगर डिविडेंड आए तो टैक्स का रेट होता है 33.75, ऊपर रेट्स में दिया हुआ भी है। 8,640 इज द आंसर, सबको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी जो कि बनती है 11,654। और पेई क्वेश्चन में गिवन है तो हमें ये पता है कि पेई क्या कर देते हैं हम?
75 pounds का पे गिवन था, तो आ जाएगा टैक्स पेबल। ये कॉम्प्लेक्स तरीन क्वेश्चन, कि इतना मुश्किल तो आपकी के प्लान की रिवीजन किट में भी नहीं है, हमने सॉल्व किया है, जिसके साथ हमारी डिविडेंड इनकम भी कंप्लीट होती है। डिविडेंड सेविंग और नॉन सेविंग, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड तीनों इनकम एक साथ भी आ सकती हैं। सिर्फ नॉन सेविंग और डिविडेंड पे भी क्वेश्चन बन सकता है, या सिर्फ डिविडेंड पे भी वो कर सकता है। मोस्ट लाइकली यही होता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में आ जाए, सही है, या एमटीक्यू में 2 मार्क का आ जाए। सीआरक्यू में आमतौर पर कैलकुलेशन ऑफ इनकम पे फोकस कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे भी वो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पूछता है। तो वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फुल कोर्स अगर आपको टैक्स चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।